गेल्या अनेक महिनाभरापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेशी संवाद साधण्यासाठी महाजनादेश यात्रा काढली. राज्याच्या सर्व भागात ही यात्रा काढल्यानंतर या महाजनादेश यात्रेच्या अखेरच्या टप्प्यात उत्तर महाराष्ट्रात या यात्रेची सांगता झाली. या यात्रेचा समारोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विजयी संकल्प सभेने करण्यात आला. आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं एक प्रकारे प्रचाराचा नारळ फोडला. तपोवनच्या साधुग्राम येथील अटल मैदानावर जाहीर सभेला मोदींचं नाशिककरांनी जंगी स्वागत केलं. मोदी यांचे व्यासपीठावर आगमन झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना पुष्पांजली अर्पण करून अभिवादन केलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील, रिपाईचे अध्यक्ष रामदास आठवले, सुधीर मुनगंटीवार, रावसाहेब दानवे, भूपेंद्र यादव, उदयनराजे भोसले, पालकमंत्री गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, महापौर रंजना भानसी, खासदार भारती पवार, आमदार बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, लक्ष्मण सावजी, राधाकृष्ण विखे पाटील आदींसह भाजप आमदार, खासदार, नगरसेवक आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. नाशिक शहर भाजपच्या वतीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भव्य स्वागत करण्यात आलं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा भेट स्वरूप प्रदान केली. तर छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी शिवकालीन पगडी घालून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आगळं वेगळं स्वागत केलं. यानंतर पालकमंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभेला संबोधित केलं. 25 वर्षापासून मी आमदार आहे, अनेक यात्रा मी बघितल्या, परंतु अशा पद्धतीची एवढी मोठी यात्रा, एवढं मोठं स्वागत, लहान शाळकरी मुलांपासून, 5 वर्षाच्या मुलांपासून तर अबाल वृद्धांपर्यंत, महिला असतील, विशेष करून तरुण असतील, यांनी ज्या पद्धतीने यात्रेचं स्वागत केलं, त्यावरून आपल्याला पुढचं भविष्यही कळालेलंच असेल. गेल्यावेळी माननीय पंतप्रधान माननीय मोदीजी या ठिकाणी आले होते, लोकसभेत निवडणूक लागलेली होती, आणि त्यावेळी आपण सर्वांनी शब्द दिलेला होता की या उत्तर महाराष्ट्रामध्ये धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नगर, नाशिक या जिल्ह्यामध्ये 8 खासदार आहेत. आम्ही सांगितलं होतं की 8 चे 8 खासदार आपल्या नेतृत्वाखाली, आपल्या मार्गदर्शनाखाली, आपल्या आशीर्वादाने आम्ही या ठिकाणी दिल्लीला पाठवू, आणि आपण दिलेला शब्द हा तंतोतंत त्या ठिकाणी पाळला. 8 चे 8 खासदार आपण दिल्लीला या ठिकाणी पाठवलेत, आणि आता वेळ मात्र विधानसभेची आहे. एवढ्या पावसामध्ये तुम्ही थांबलात, कालही रोड शो मध्ये थांबलात, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पाऊस सुरू असताना एवढं स्वागत या ठिकाणी केलं, आणि त्यामुळे पुढचं भविष्य सांगण्याची आता गरज नाही. आपण यावेळी सर्व मिळून माननीय मोदी साहेबांना या ठिकाणी आश्वासन देऊया की या उत्तर महाराष्ट्रामध्ये 47 जागा विधानसभेच्या आहेत. 47 जागांपैकी किती जागा आपण देणार? 100%. आपण लोकसभेला 100% जागा दिल्यात, 8 चे 8 खासदार दिलेत. या विधानसभेला सुद्धा 47 पैकी 1-2 कमी झाली तर होईल, पण 44-45 खाली आम्ही एकही जागा विधानसभेमध्ये कमी पडू देणार नाही. हा शब्द मी आपल्या सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी देतो. जास्त वेळ मी आपल्या या ठिकाणी घेणार नाही. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी महिनाभर अतिशय अथक परिश्रम घेऊन ही यात्रा सफल अशी या ठिकाणी केली. माननीय पंतप्रधान आदरणीय मोदीजी आशीर्वाद देण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांना आपल्याशी संबोधित करतंय, बोलायचं आहे, त्यामुळे आपला जास्त वेळ मी या ठिकाणी घेणार नाही. आपल्या सर्वांचे पुन्हा मनापासून या ठिकाणी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैं सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का समूचे महाराष्ट्र की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस महाजनादेश यात्रा के समापन के लिए आप यहां पर पधारे. ये आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूं, 70 सालों से भारत के जन जन के मन मन में जो बात थी कि कश्मीर हमारा है, और 370 को समाप्त करके
उस कश्मीर को भारत में लाने का काम ये मोदी जी जिस प्रकार से आपने किया, महाराष्ट्र की जनता अभिभूत है। मैं महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों से महाराष्ट्र की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया और यहां पर काम करने का मौका दिया। और विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के सोशल इंजीनियरिंग में न बैठने वाले मेरे जैसे कार्यकर्ता को आपने मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल काम करने का मौका यहां पर दिया। मैं आज भी याद करता हूं वो दिन जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली गया। पहली मुलाकात थी और मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि मुझसे क्या अपेक्षा है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक ही बात कही थी कि देखो, ये महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो देश का सर्वोत्तम राज्य बन सकता है, बहुत क्षमता है, देश का इंजन है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये महाराष्ट्र भ्रष्टाचारियों का और दलालों का अड्डा बना है। एक ही काम तुम करो, इस महाराष्ट्र के ऊपर ये भ्रष्टाचारी और दलालों का अड्डा, ये जो दाग लगा है, इस दाग को समाप्त करने का काम अगर करोगे तो महाराष्ट्र के साथ सबसे बड़ा न्याय होगा। मैं नहीं जानता मैं कितना कर पाया, वो तो स्वयं प्रधानमंत्री जानते होंगे, लेकिन 5 साल पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ महाराष्ट्र की सरकार को हमने चलाया और महाराष्ट्र पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप पिछले 5 वर्षों में हमने नहीं आने दिया। या जनादेश यात्रेची सुरुवात मी गुरुकुंज मोझरीतनं केली आणि आज त्याचा शेवट हा नाशिकमध्ये करतोय। गुरुकुंज मोझरी ही एक अशी जागा आहे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ज्या गुरुकुंजमध्ये ग्रामराज्याची संकल्पना मांडली तिथनं सुरुवात झाली आणि ज्या नाशिकमध्ये रामराज्याची संकल्पना मांडली गेली त्या नाशिकमध्ये मी आज समाप्त करतोय। ग्रामराज्यापासनं रामराज्यापर्यंतचा हा प्रवास हा इतका विलक्षण प्रवास होता। खरं म्हणजे मोदीजींनी आम्हाला सांगितलं आपलं दैवत महाराष्ट्राची 12 कोटी जनता आहे, या जनतेच्या दर्शनाची यात्रा होती। काँग्रेस राष्ट्रवादीवाले या दैवताला विसरले म्हणून या दैवताने त्यांना घरी बसवलं आणि या दैवताने एवढा आशीर्वाद या यात्रेच्या दरम्यान दिला। विदर्भामध्ये, मराठवाड्यामध्ये, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये, कोकणामध्ये जिथे गेलो त्या ठिकाणी इतका प्रचंड प्रचंड लोकांचा आशीर्वाद होता। मला असं वाटतं की आम्ही जो विचार केला होता त्यापेक्षा देखील जबरदस्त असा आशीर्वाद लोकांनी दिला। मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जबरदस्त इस जनादेश यात्रा को रिस्पॉन्स मिला, लेकिन यह रिस्पॉन्स मेरे कारण नहीं है, यह हमारे कारण नहीं है। यह रिस्पॉन्स जनादेश यात्रा को जो मिला, जो हर व्यक्ति हमारा सम्मान करता था, आशीर्वाद देता था, हमको हाथ दिखाता था, हमको फूल देता था, उस हर व्यक्ति के चेहरे पर एक विश्वास दिखाई पड़ता था और वो विश्वास मोदी जी के कारण इस देश में तैयार हुआ विश्वास था। जो आपने तैयार किया वो विश्वास है, उस विश्वास के कारण वो हर व्यक्ति ये मानता था भारत का भविष्य किसी ने संवारा है, इस भारत को देश का सर्वोत्तम राज्य कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। और महाराष्ट्र की जनता को यह विश्वास था कि भले ही हमारी सारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई,
हमारी समस्याएं हैं, दुख है, प्रताड़नाएं हैं, पर विश्वास है कि मोदी जी है तो महाराष्ट्र की सरकार, बीजेपी की हमारी सरकार इन दुखों को भी दूर करेगी। ये जो विश्वास आपने तैयार किया उसके कारण करीब 4000 किलोमीटर में गया, 140 मतदार संघों में मैं गया और सब जगह अभूतपूर्व ऐसा प्रतिसाद लोगों ने मुझे दिया। मैं अकाल से, सूखे से पीड़ित मराठवाड़ा में गया। देखिए, सूखे से पीड़ित मेरे मराठवाड़ा की दानत देखिए। मराठवाड़ा के हर गांव में लोग मेरे पास आते थे और मुझे चेक देते थे। सातारा, सांगली और कोल्हापुर में अतिवृष्टि के कारण हमारे जो भाई प्रताड़ित हुए उनको हमारे सूखा पीड़ित मराठवाड़ा के लोगों ने चेक दे देकर हमको उनकी मदद के लिए मदद की। और आपको आश्चर्य होगा, इस यात्रा के दरमियान सब जगह, चाहे विदर्भ हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, चाहे मराठवाड़ा हो, किसी ने 1 लाख का चेक दिया, किसी ने 50,000 का दिया, कुल मिलाकर 3.5 करोड़ रुपए के चेक लोगों ने इस यात्रा के दरमियान हमको लाकर दिए। और ये महाराष्ट्र का जज्बा मुझे यहां पर देखने को मिला। सूखाग्रस्त इलाके में गया, विदर्भ जैसे इलाके में गया, पश्चिम महाराष्ट्र के जो बाढ़ पीड़ित इलाके उसमें गया, हर जगह लोगों ने जिस प्रकार का प्रतिसाद दिया है मैं समझ नहीं पा रहा हूं महाराष्ट्र की जनता का मैं किस प्रकार से यहां पर आभार व्यक्त करूं। सगळ्यात महत्त्वाचं काही असेल तर माझ्या भगिनी, मी आपल्याला सांगतो, या यात्रेचं स्वागत या महाराष्ट्रातल्या माता भगिनींनी जे केलंय ते अभूतपूर्व आहे, अभूतपूर्व आहे। मी कधी विश्वास करू शकत नाही, गावाच्या गावं रिकामी होऊन आमच्या माता भगिनी रस्त्यावर होत्या, त्या राखी बांधत होत्या, त्या उवाळत होत्या आणि त्या आशीर्वाद देत होत्या। मला असं वाटतं एक जबरदस्त अशा प्रकारचा रिस्पॉन्स होता। मैं ये बताना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कुछ महिलाओं के आंखों में आंसू थे लेकिन ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि इससे पहले उनके आंखों में आंसू आते थे जब चूल्हा फूंक फूंक कर वो रसोई तैयार करती थी, लेकिन उज्ज्वला ने उनके आंखों के आंसू दूर कर दिए। अब उनको आंखों में आंसू नहीं लाने पड़ते, वो उज्ज्वला वाली सारी महिलाएं हमारा स्वागत करते हुए प्यार के आंसू बहा रही थी। ये मैंने इस यात्रा के दरमियान देखा। मैं यहां पर भी जास्त बोलू इच्छित नहीं, आदरणीय मोदी जींना आपल्याला ऐकायचं आहे, पण आज महाराष्ट्रातली परिस्थिती काय आहे। मी ज्यावेळेस यात्रा काढली पवार साहेब असं म्हणाले, मुख्यमंत्री हिशोब देत आहेत, आमच्याकडे तर हिशोबा करता आम्ही तपासणीस खतवणीस ठेवतो। खरी गोष्ट आहे, तुमची मानसिकताच राजेशाही आहे। अरे आम्ही तर सेवक आहोत, सेवकाचं काम असतं जनतेमध्ये जाऊन हिशोब देणं। तुमची मानसिकता ही यातनं स्पष्टपणे दिसते आणि तुम्ही या मानसिकतेतनं लोकांना या ठिकाणी वागवलं म्हणून लोकांनी सेवकांना निवडून दिलं आणि यापुढे देखील लोक सेवकांनाच निवडून देतील। बंधू भगिनींनो, काँग्रेसचं तर महाराष्ट्रात अस्तित्वच दिसत नाही, पण मागच्या निवडणुकीत आणि या निवडणुकीत फरक काय आहे? मागच्या निवडणुकीमध्ये मोदीजींचं नेतृत्व आणि शिवरायांचा आशीर्वाद होता, या निवडणुकीमध्ये ते दोन तर आहेच पण त्यासोबत शिवरायांच्या वंशाची साथ देखील भारतीय जनता पक्षाला आहे। हा फरक दोन निवडणुकीमधला आहे। आता महाजनादेश यात्रेकडनं महाजनादेशाकडे वाटचाल करायची आहे। गेल्या 5 वर्षांमध्ये महाराष्ट्र गुंतवणुकीत पहिला क्रमांक, उद्योगात पहिला क्रमांक, पायाभूत सुविधेत पहिला क्रमांक, रोजगारात पहिला क्रमांक, शिक्षणात 13व्या क्रमांकावरनं 3रा क्रमांक, आरोग्यात 6व्या क्रमांकावरनं 3रा क्रमांक, प्रत्येक बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर चाललाय। आणि आता आपल्याला पुढच्या 5 वर्षांमध्ये 2 स्वप्न घेऊन पुढे जायचं आहे। आमच्या शेतकऱ्याकरता दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्र आम्हाला तयार करायचं आहे। या ठिकाणी
कोकणातलं वाहून जाणारं पाणी हे मराठवाड्यात आणि उत्तर महाराष्ट्रात आणायचं आहे. नार पार गिरणा असेल, मेगा रिचार्ज असेल, दमणगंगा पिंजाळ असेल, या सगळ्या योजनांच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भ हा पूर्णपणे दुष्काळ मुक्त करण्याचा निर्णय आपण घेतलाय. आणि यासोबत माननीय मोदीजींनी 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचं स्वप्न पाहिलंय. या 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीमध्ये 1 ट्रिलियन डॉलरची इकॉनॉमी ही महाराष्ट्राची असेल हा निर्णय आम्ही घेतलाय. कारण महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक युवकाच्या हाताला काम आम्हाला द्यायचं आहे. आजही रोजगारामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. आणि मी आमच्या सगळ्या लोकांना या ठिकाणी सांगू इच्छितो, केवळ एमएसएमईच्या सेक्टरमध्ये, स्मॉल अँड मिडियम स्केल इंडस्ट्रीच्या सेक्टरमध्ये महाराष्ट्रात तयार झालेला रोजगार 89 लाख आहे. 89 लाख लोकांना या ठिकाणी रोजगार हा गेल्या 5 वर्षात आम्ही दिला. आणि इतर सेक्टरचं जर त्याच्यामध्ये आम्ही सांगितलं तर हा 1 कोटीच्या वर जाईल. आणि आता उरलाही सगळ्या युवांना आपल्याला रोजगार द्यायचा आहे. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, आज नाशिकमध्ये आपण आहोत. या नाशिक शहराला आम्ही हायब्रिड मेट्रो देतोय, या नाशिक शहराला औद्योगिकरण आपण देतोय, या नाशिक शहराला स्मार्ट सिटी आपण देतोय, या नाशिकमध्ये डिफेन्स इनोव्हेशन क्लस्टर आपण तयार करतोय, या नाशिकला विकासाचा केंद्रबिंदू करण्याचा प्रयत्न आपला आहे. मी शेवटी एवढंच सांगतो, आम्हाला मोदीजींनी काय सांगितलं, मोदीजीने हमको सिखाया है जमीर जिंदा रखो, जमीर जिंदा रखो, कबीर जिंदा रखो, बादशाह भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रखो, दिल में फकीर जिंदा रखो. आम्ही सेवक आहोत, सेवकच राहू. पुढचे 5 वर्ष पारदर्शी प्रामाणिकतेतून पुन्हा एकदा तुमची सेवा करण्याचा मौका आम्हाला द्या, पुन्हा एकदा तुमचा महाजनादेश आम्हाला द्या. मी नाशिककरांना विचारू इच्छितो, सांगा तुमचा जनादेश आहे का, सांगा तुमचा जनादेश आहे का, तुमचा आशीर्वाद आहे का, तुमचा आशीर्वाद आहे का, तुमचा आशीर्वाद मोदीजींना आहे का, तुमचा आशीर्वाद आम्हाला आहे का. मग तुमचा आशीर्वाद हाच जनादेश समजून महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर भाजपा महायुतीचा झेंडा लावून पुन्हा या रामनगरीमध्ये आपला आशीर्वाद घेण्याकरता परत येतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर मोदी यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात करून खास त्यांच्या शैलीत मराठीत उपस्थितांशी संवाद साधला. यावेळी शेतकरी कर्ज प्रणाली, जम्मू काश्मीरचा 370 कलम, देशाची सुरक्षा व्यवस्था, तसेच सरकारच्या विविध योजना, भाजप सरकारच्या काळात करण्यात आलेल्या विकास कामांचा लेखाजोखा मोदींनी जनतेसमोर मांडला. फडणवीस यांनी आपला 5 वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. वसंतराव नाईक यांच्या नंतर फडणवीस हे कार्यकाळ पूर्ण करणारे दुसरे मुख्यमंत्री ठरल्याचं मोदी यांनी सभेत सांगितलं. प्रभू श्री राम आणि सीता मातेच्या चरण स्पर्शाने पावन आणि आदि माया आदि शक्ती महिषासुर मर्दिनी सप्तश्रृंगी मातेच्या निवासाने पवित्र अशा नाशिकाच्या या धर्मभूमीला माझा शतशत नमस्कार. महाराष्ट्र के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटील, नासिक जिले के अभिभावक मंत्री भाई गिरीश महाजन जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान रामदास आठवले जी, श्रीमान राव साहब दानवे पाटिल जी,
और भारतीय जनता पार्टी परिवार में जिनका आगमन हुआ है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवारजन मंच पर आसीन सभी महानुभाव, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता, सभी मेरे साथी और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं एक विशेष धन्यता अनुभव कर रहा हूं। और मैं इसे अपने जीवन की बहुमूल्य पल मानता हूं। क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति उदयन जी ने खुद ने मेरे सर पर एक छत्र रखा है। ये सम्मान भी है और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति दायित्व का भी संकेत है। नासिक की पवित्र धरती, महाराष्ट्र के कोटि कोटि जन मुझे आशीर्वाद दें ताकि इसकी इज्जत के लिए मैं अपनी जिंदगी खपा दूं। हमारे यहां एक सांस्कृतिक परंपरा रही है, यात्रा की सदियों से यह परंपरा चली है। रामेश्वरम से कोई जाता है, गंगा जी का जल लेके आता है और रामेश्वरी जी को अभिषेक करता है। यात्रा का हमारे यहां बड़ा महत्व रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी परंपरा रही है कि अगर सब लोग यात्रा में नहीं जा सकते हैं तो जो यात्रा कर करके अपने परिवार में वापस लौटते हैं तो उनको नमस्कार करते हैं तो मान्यता है कि आधा पुण्य आपको मिल जाता है। मैं भी आज यहां देवेंद्र जी जैसे यात्री को नमन करने आया हूं। क्योंकि आज देवेंद्र जी पे 4000 किलोमीटर की यात्रा में कोटि कोटि जनों ने आशीर्वाद बरसा करके उनके भीतर एक आध्यात्मिक एक सामर्थ्य की चेतना को जगाया है। आज उनको मिलने के बाद, उनको नमस्कार करने के बाद महाराष्ट्र के लोगों के इस आशीर्वाद का कुछ हिस्सा भी मैं लेके जाऊंगा। अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव बड़ी चरम पर थे,
गर्मी भी बहुत थी, अब तब मैं डिंडोरी में एक सभा करने के लिए आया था, आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। डिंडोरी की उस जनसभा में ऐसा जन सैलाब उमड़ा था और उसने ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट किए थे कि पूरे देश में चल रही भाजपा की लहर को और प्रचंड बना दिया था। आज मैं देख रहा हूं कि अप्रैल की इस रिकॉर्ड तोड़ रैली से ये हमारा नासिक उससे भी आगे निकल गया है। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी टीम को महाआशीर्वाद देने के लिए ये जनसागर उमड़ आया। पावन कुंभ की धरती पर ये जो दृश्य देखने को मिल रहा, ये अपने आप में लोकतंत्र के कुंभ का परिचय दे रहा है। एक स्पष्ट संदेश दे रहा है। अरब महाराष्ट्र की जनता ने ठान लिया है, आशीर्वाद उसी को मिलेंगे जो आशा के अनुरूप काम करेगा। और महाराष्ट्र की जनता ने ये मन बना लिया। मैं महाराष्ट्र के राजनीतिक पंडितों को आह्वान करता हूं, वे तत्कालीन घटनाओं पर तो बहुत कुछ लिखते हैं, अच्छा भी है, लेकिन समय की मांग है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक उतार चढ़ाव को लेकर के आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता को भी जरा अवगत कराएं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण महाराष्ट्र जिस तेजी से आगे जाना चाहिए था, महाराष्ट्र जिस समर्थ के साथ देश को भी आगे ले जा सकता था, अकेले मुंबई महानगरी की चकाचौंध में महाराष्ट्र के दूर दराज क्षेत्र, महाराष्ट्र के गांव, गरीब किसान राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हो गए। कोई भी हैरान हो जाएगा कि महाराष्ट्र, पुणे तो एक प्रकार से दूसरा काशी कहा जाता है, ज्ञान की नगरी कही जाती है, ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहब अंबेडकर तक अनेक तेजस्वी ओजस्वी महापुरुषों को जिस धरती ने जन्म दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की चरण रज आज भी हम लोगों को ऊर्जा देती है। उस महाराष्ट्र में कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार लगातार 5 साल न चलना, इतने बड़े लंबे कालखंड में सिर्फ 2 ही उदाहरण, एक वसंतराव और दूसरे देवेंद्र जी।
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विजय संकल्प सभेनं आगामी विधानसभा निवडणुकीचा नारळ फोडला असून युतीनं झाल्यास 200 टप्पा पार पाडू असा आत्मविश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. उमेश आवनकर, दिशा न्यूज, नाशिक.